व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेलने वाले हैं, आज हम खेलने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैंस। मैं जानता हूँ कि क्लैश ऑफ क्लैंस के फैंस बहुत कम हैं अब, बट फिर भी तो आप देख सकते हो मैं अभी TH लेवल 8 पे हूँ और अभी मेरा मैक्स आउट नहीं हुआ बेस। ये मैं आपको अपनी आर्मी दिखा देता, सबसे पहले आपको मैं अपने ट्रूप्स दिखा देता हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे यार हीलिंग और लाइटनिंग स्पेल आपने अपग्रेड नहीं किया, तो यार बस वो मैं गेम पे फोकस नहीं कर पा रहा था कॉल ऑफ ड्यूटी की वजह से, और आप जानते ही हो मेरा चैनल है तो उसको संभालने में बिजी था। तो आज मैं आपको एक नई आर्मी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो सबसे पहले अटैक कर लेते हैं। बहुत यूज़फुल आर्मी है। तो ये एक बकरा मिला है, सही बेस है यार। पहले CC चेक कर लेंगे। तो CC मार लेंगे। तो गाइस, यहाँ CC गई। अब हम यहाँ से डाल देंगे दोनों पैका। अब यहाँ से जाएंगे सारे के सारे वॉल ब्रेकर्स, और ये होगी वॉल ब्रेक। अब वॉल कैरी CC किंग लाइटनिंग और क्विक। अभी तक अटैक सही जा रहा है। तो गाइज हमारे पैका वहाँ से क्लीनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे किंग को एबिलिटी दे देंगे। तो काफ़ी सही जा रहा है अटैक। ओके, यहाँ पे एक हील आएगा। हाँ यार, अटैक काफ़ी सही जा रहा है। नाइस, तो ये एक स्वैग। तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा अटैक गया है हमारा। तो ये है एक इजी 3-स्टार। हाँ, टाइम फेल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अरे हाँ, नहीं नहीं टाइम फेल भी नहीं हो सकता ये अटैक। सो कम ऑन। तो ये गाइस हमारा हो चुका है 3-स्टार अटैक। तो गाइस ये थी हमारी आर्मी जिसमें 14 वॉल्केरीज, 2 पैका, 5 वॉल ब्रेकर, 5 विजर्ड, 8 आर्चर, 5 लेवल का किंग, 2 एक रेज, 2 हील, 1 लाइटनिंग, और CC के अंदर थी मेरे पास 3 वॉल्केरीज लेवल 5 की, और 2 लेवल का एक अर्थक्विक स्पेल। तो गाइज आपने देखा कि कितनी ईजी आर्मी थी ये, जिससे कि इजी 3-स्टार हो गया। अब गाइज बेसिकली आपको करना क्या है, CC ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि आपकी वो अगर ड्रैगन हुआ CC में या बलून्स हुए तो आपकी CC आपकी वॉल कैरीज को काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो मैं आपको इंजाम दिखा देता हूँ अगर आप CC चेक नहीं करोगे तो। और डिफेंस लॉग, अरे अटैक लॉग ही ना। अच्छा हाँ, तो गाइज ये मैंने एक अटैक किया था 70%, ये तो मेरा लक था कि 70% निकल आया। ये देखो, अब ये बलून्स निकल आए थे इसके। तो गाइस आप देख ही सकते हो कि बलून्स निकल आए थे, तो उन्होंने मेरी वॉल कैरीज को बहुत डैमेज दिया। तो मैंने टाइम से विजिट डाल दिए, जिन्होंने फाइनली डाउन तो कर लिया बलून्स को, लेकिन काफ़ी मुश्किल हुई थी। तो वो तो शुक्र है कि 70% निकल आए अटैक। तो देख सकते हो आप, तो गाइस यही होता है जब आप CC नहीं चेक करते, तो CC ज़रूर चेक कर लेना। एक बार मैं आपको दोबारा से ट्रेन करके दिखाता हूँ आर्मी। सबसे पहले तो 5 वॉल ब्रेकर्स,
पांच विजर्ड, दो पैका और ये कुछ आठ आर्चर्स और सात। अभी वॉल्क्स नहीं ले सकते क्योंकि मेरा गोलम ओपन हो रहा है, तो उसकी जगह क्या लें भाई। तो फिर ये आर्मी मैं रहने देता हूँ गाइज। अभी सिर्फ ये आर्मी इसलिए ट्रेन कर पाया क्योंकि मेरा गोलम ओपन हो रहा है। तो मैं आपको तब तक के लिए एक नई आर्मी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको लेने हैं कुछ अठारह जाइंट्स, यही कुछ पांच वॉल ब्रेकर्स, 22 विजर्ड, 12 आर्चर्स। और गाइज ये गारंटेड है कि ये आर्मी जो है वो 3 स्टार ज़रूर करेगी। ये गारंटी है कि ये आर्मी बिल्कुल 3 स्टार ही करेगी हर लेवल 8 या 7 के बेस पे। ये इजी 3 स्टार है, बट सीसी चेक करना ना भूलना वरना यार दिक्कत आ सकती है। 5, अरे यार एलेक्जर ख़त्म हो गया, अरे हम भूल ही गया था। चलो बाय द वे एक बार तो हमने आर्मी ट्रेनिंग कर ली है, तो अभी मेरे पे सीसी में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो आचर्स कुछ ज़्यादा ले लेता हूँ। तो गाइस ये है आर्मी, और अगर आप ये आर्मी ट्रेन करना चाहते हो तो आपको साथ लेना पड़ेगा 5 जायंट्स और 1 अर्थक्वेक। तो गाइस ये होता है, ये इजी 3 स्टार आर्मी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको आर्मी दिखाना चाहता था। ओके अल्लाह हाफिज़।